बिहार में पहले दिन 1.73 लाख बच्चों को लगा टीका। आज पटना में 194 सेंटर पर लगेगी बच्चों को वैक्सीन। 122 सरकारी और 27 प्राइवेट हाई स्कूल शामिल। 20 लाख लोगों ने नहीं लिया अब तक पहला डोज। बिहार में संक्रमण की रफ्तार बढ़ी तो पहुंच रहे वैक्सीनेशन सेंटर, दलील भी अजीब। मुजफ्फरपुर में कई जगहों पर सघन मास्क चेकिंग अभियान। रेलवे स्टेशन, बैरी और इमली चट्टी बस स्टैंड जा रहे हैं तो सावधान, बिना मास्क के घूमने पर लगेगा जुर्माना। भाजपा के कारण नहीं हो रही सर्वदलीय बैठक, जातीय जनगणना पर बोले सीएम नीतीश, बीजेपी के अलावा सभी दल तैयार हैं। पटना में शमशान पर सौदा, निगम ने 300 रुपए तय किया अंतिम संस्कार का रेट, घाट पर 600 वसूलने के बाद दाह संस्कार। पुलिसकर्मी जिंदा जले, घने कोहरे में पुलिस जिप्सी में ट्रक पलटा, विस्फोट के साथ आग लगी, एसआई और ड्राइवर गंभीर। बिहार में सर्दी का सितम, पटना सहित पूरे राज्य में गिरा पारा, अब कोल्ड डे का खतरा, अगले 3 दिनों तक राहत नहीं। मुजफ्फरपुर में रोडरेज में फायरिंग, बाल बाल बचाई युवक, गुंडे के पास गाड़ी खड़ी कर पान खा रहा था तभी बदमाश ने फायरिंग की। पटना के 30 थानों का पेट्रोल डीजल बंद, पंप का 5 करोड़ रुपए बकाया, प्रबंधक ने कहा जब तक पुराना पैसा नहीं मिलेगा ईंधन नहीं देंगे। जमुई में बाइक सवार 2 युवक जख्मी, सदर अस्पताल रेफर, दिल्ली जाने के लिए टिकट लेने गए थे स्टेशन, लौटते वक्त हो गया हादसा। बाढ़ नियंत्रण कार्यालय में संवेदकों ने जरा ताला, गोपालगंज में बकाए भुगतान को लेकर संवेदकों में नाराजगी, दफ्तर के सामने प्रदर्शन। सिवान में 3 युवक का अपहरण मामला, एसपी ने किया पर्दाफाश, कुख्यात अयूब खान ने हत्या कर शव को नदी में फेंका। पत्नी ने अपने पति के खिलाफ दर्ज कराई प्राथमिकी, 1 लाख नकद और बुलेट बाइक के लिए प्रताड़ित करने का लगाया आरोप। नगर कीर्तन में बच्चों के शामिल होने पर रोक, 7 से घटकर 3 घंटे का हो गया नगर कीर्तन, संगत की संख्या घटकर हुई 5,000। पटना में 9वीं से 12वीं के लिए स्कूल खुले, कम रही उपस्थिति, ऑफलाइन ऑनलाइन टाइमिंग के अनुसार ही क्लास शुरू, महिला कॉलेजों में ऑफलाइन मोड में चल रही क्लासेस।